गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूल से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया, तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहां सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभो, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूं। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूं? जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में
अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्मस्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहां तक गिनाऊं? विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंबा आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगतगुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप निर्धनों के परम धन हैं, माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांति स्वरूप हैं, आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूं। मैं आपको अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सबके नियंता, काल रूप परमेश्वर समझती हूं। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूं। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा? आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है? इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यों कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यों कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और कृष्ण के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यों कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुषियों कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है।
भक्त जन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्त वांछा कल्पतरु प्रभो, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। यह वन पर्वत नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवन, मैं आपको नमस्कार करती हूं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। शौनक आदि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्ध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहां जो अपराध हुआ है, उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यागादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूं। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता।